हमारे भारत में जितने भी रोड बनते हैं बिना प्लानिंग के, चाहे वो PWD के हों, चाहे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के हों, चाहे गलाडा के हों, चाहे नगर निगम के हों, इनकी कोई प्लानिंग नहीं होती कि आज के 10 साल बाद क्या होगा, 20 साल बाद क्या होगा। कभी ये सीवरेज 4 इंच का पाते हैं, कभी 10 इंच का, कभी 20 इंच का पाई, जाने कि इनको कोई हिसाब ही नहीं है कि कैसे सीवरेज डालना है, कितने इंच मोटर डालना है, कितने फुट जो मोटर डालना है, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, इनकी समझ से परे है। जितने भी हमारे गवर्नमेंट के इंजीनियर हैं हिंदुस्तान के, बार बार सड़कें तोड़ी जाती हैं, बार बार बनाई जाती हैं। हम इस समय राहू रोड पर खड़े हैं, जो लुधियाना का एक बहुत लंबा चौड़ा एरिया है, जहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, और ये मत्तेवाड़ और जहाँ पर ये एक सतलुज पर पुल भी बन चुका है। तो आज हम इसी रोड को आपको दिखाते हैं कि करोड़ों अरबों रुपये इस सड़क पर खर्च किया जा चुका है, और कैसे हमारा प्रशासन जो है, गवर्नमेंट है, पैसा बर्बाद करती है। ये जो सड़क है जहाँ पर सीवरेज द्वारा डाला जा रहा है, वो देखिए बड़े बड़े पाइप जहाँ पर पड़े हैं, आइए पहले ये सड़क कैसी थी हम आपको दिखाते हैं। दूसरी साइड तो पक्की है, इस तरफ खुदाई की गई है, और ये देखिए इतनी अच्छी सड़क बनाने के बाद ये रोड बनाई गई थी। दोनों तरफ ऐसी रोड थी, उस समय हमारे जो प्लानिंग अफसर हैं उन्होंने सोचा नहीं कि ये जो हम रोड इस तरफ बना रहे हैं, आने वाले 2-4-10 साल में फिर इसको हमको दोबारा सीवरेज के लिए खोदना पड़ेगा। और ये खोद दी गई है, ये देखिए सड़क कितनी अच्छी सड़क बनी हुई थी। ये इधर दिखाओ जरा थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर ये सड़क, ये राव रोड की सड़क है, इधर लगाओ, अभी एक ही तरफ चल रहा है, ये ट्रैफिक जितना भी है, ये राव रोड है। आगे हम दिखाएंगे, बिल्कुल कंक्रीट की सड़क बनाई गई थी, जैसे बठिंडा में बादल साहब ने सड़क बनाई थी कि वहाँ पर हवाई जहाज भी उतारा जाए तो वो टूटेगी नहीं, और एटम बम से भी वो सड़क टूटेगी, इतनी सड़क मजबूत बनाई गई थी। आगे ये सारा सीवरेज का एरिया जितना है जहाँ पर, ये सड़क सारी खोद दी गई है, कहीं मीटर ये सड़क है जहाँ पर सीवरेज डाला जा रहा है। पहले जब बनाई गई थी फिर प्लानिंग हुई कि इसको दोबारा खोद कर इसमें सीवरेज डाला जाए, और आप देख रहे हैं ये यहाँ पर आगे देखे कितना गंदगी फैली हुई है। और ये नहीं कि ये जो सीवरेज वगैरह है एक दो महीने में डल जाए, इसको कई कई महीने लग जाते हैं, और लोगों को आने जाने में कितनी परेशानी होती है, जहाँ लोग कैसे नरक का जीवन जीते हैं। ये हमारा हिंदुस्तान है जहाँ पर देखिए सड़क के दोनों तरफ, वो देखिए इतनी बड़ी पाइप है, और अब लगता है शायद इससे भी ज़्यादा ब्रेथ की जो है लंबी चौड़ी पाइप में डाली गई होंगी, क्यों पहले छोटी डालते हैं जब पाइप, फिर बड़ी डालते हैं, उससे फिर बड़ी डालते हैं। इस तरह ये बिना प्लानिंग के ही, बिना सोच के, बिना दिमाग के ही जैसे सीवरेज डालते हैं, और बाद में जब छोटा पड़ जाता है फिर खोद कर उससे बड़ा डालते हैं। तो आगे हम चल के फिर देखते हैं कि आगे क्या होने को हो रहा, जो कुछ भी आगे खुदाई वगैरह हो रही है, क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी देखते हैं आगे चल के। और देखिए यहाँ से कंक्रीट की जो सड़क शुरू हो चुकी है, ये कंक्रीट की सड़क बनाई गई है, जहाँ पर पहले आयरन का जो सरिया वगैरह होते हैं उससे जाल बिछाया गया, और उसके बाद इसके ऊपर ये जो सड़क बनाई गई थी। और इस सड़क का आलम ये है कि ये सड़क दूसरी तरफ देखिए टूट चुकी है, ये सारी की सारी, ये रोड पर लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपया खर्च हुआ होगा किसी समय। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सीवरेज जाम हो रहे हैं, वो देखिए जितना भी सारा दोबारा खुदाई कर करके ये लोग निकाल रहे हैं जहाँ से, इनका सीवरेज सिस्टम बिल्कुल फेल है। कौन से इनके ऐसी हैं, कौन से इनके प्लानर हैं, ये देखिए आगे भी लिखा, आगे सीवरेज का काम चल रहा है, बोल गया ये बोर्ड पर, यहाँ पर सीवरेज का काम चलता ही रहता है, 25-30 साल हो गए जैसे सीवरेज का काम जहाँ चलना बंद नहीं हुआ अभी तक। ये देखिए बिल्कुल ही सीवरेज जाम हो चुका है, जहाँ पर पहले कंक्रीट की सड़क बनाई गई थी, अब उसको खोदा जा रहा है, बहुत पक्की सड़क बनाई गई थी जहाँ पर।
कहते जहाँ बम भी गिर जाए तो ये सड़क टूटेगी नहीं, लेकिन इसको तोड़ दिया गया है क्योंकि सीवरेज जो डाला गया था वो कामयाब नहीं हुआ। अब दोबारा सीवरेज जहाँ डाल रहे हैं ये लोग, देखिए कितनी खुदाई दोबारा करनी पड़ रही है। ये सड़क जहाँ जो लोग रहते हैं उनको मालूम होगा कि ये सड़क कितनी बार टूटी है और कितनी बार बनी है। ये देखिए कंक्रीट के जो अभी हम आपको दिखाते हैं जहाँ पे, ये देखिए जो कंक्रीट की जो सड़क बनाई गई थी ना पहले, जो सरिये वगैरह डाल के ये बहुत मजबूत सड़क बनाई गई थी और इस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया था ये। लेकिन जहाँ पर जो नीचे सीवरेज डाला था वो किसी बिना प्लानिंग के था। अब देखिए जो दोबारा तोड़कर सड़क को, सारी सड़क तोड़ दी गई है, जहाँ पर सीवरेज सिस्टम फेल हो गया जो पहले बनाया गया था, अब फिर दोबारा इसको तोड़कर दोबारा सीवरेज डाला जा रहा है। जहाँ पर जब पहले सोचने की बात है, जब पहले सीवरेज डाला गया था कोई प्लानिंग नहीं थी इन लोगों की, इतनी बड़ी कंक्रीट की सड़क बनाने के बाद सीवरेज सिस्टम जो नीचे था वो बिल्कुल फेल हो गया। अब फिर दोबारा सड़क जिस पर करोड़ों रुपया खर्च हुआ था तोड़कर, फिर दोबारा सीवरेज डाला जा रहा है। कौन से इंजीनियर थे वो, कौन से कमिश्नर थे वो, किन की प्लानिंग थी, क्या किसी पर कार्रवाई होगी? कोई नहीं होगी। आगे दिखाते हैं आपको, बड़ी बड़ी पाइपें फिर आ चुकी हैं सीवरेज की। ये मत्तेवाल जो जंगल है उस तरफ जाता है और उसके आगे बाईपास पर एक बहुत बड़ा पुल भी बना है सतलुज का, और जहाँ पर कुछ साल पहले भी यहाँ सीवरेज डाला गया था उस पर कंक्रीट की जो है सड़क बनाई गई थी, और आज देखिए जब तोड़ कर दोबारा उस कंक्रीट सड़क को फिर सीवरेज डाला जा रहा है। अब इस सीवरेज की देखिए कितनी मोटाई है, बिठते हैं इनकी, कल को जब फिर छोटा पड़ जाएगा आने वाले 8-10 साल 20 साल में, तो फिर सड़क को तोड़ा जाएगा, सड़क को तोड़ा जाएगा, बनाया जाएगा, सीवरेज डाले जाएंगे। इनकी इतनी प्लानिंग नहीं है कि आने वाले 20 साल बाद कितनी वादी बढ़ेगी, इनको कोई हिसाब नहीं है कितना पानी आएगा इसमें, कितना फ्लो होगा, बिना किसी प्लानिंग के जो इंजीनियर हैं पता नहीं कहाँ से जो पढ़कर आए हैं या कहाँ से जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, कि बार बार जो कमिश्नर हैं या जो नेता लोग हैं किस सोच के साथ ये सड़कें बनाते हैं, क्यों तोड़ते हैं बार बार? इतनी बड़ी कंक्रीट की सड़क बनाने के बाद 15-20-25 साल लगे थे ये सड़क बनने में, और जब ये बन गई तो फिर से तोड़ दिया गया है। यार देखो तो सही है हालात हमारे हिंदुस्तान के मुल्क के। जब देखिए सामने, अभी देखिए किसी को कंट्रैक्टर दिया गया होगा, कंट्रैक्ट दिया गया होगा, कंट्रैक्टर फिर पैसे लेके चला जाएगा, प्लानर फिर प्लानिंग करेंगे। अभी भी जो हम सीवरेज पाइप देख रहे हैं आबादी के हिसाब से, क्या ये सही है? क्या इससे सरकार ने गारंटी ली है इंजीनियर से प्लानिंग बनाते वक्त ये कितने साल चलेगी? या जो इससे पहले जो काम करके गए उनसे कोई गारंटी ली गई थी जहाँ उनसे प्लानिंग पर साइन करवाए गए थे? क्या इनके पास प्लानिंग के वो कागजात मौजूद हैं? ये देखिए ये राहुल रोड है, हमने आपको दिखाया कि कई लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए यहाँ पर फिर लगाया जा रहा है, पहले करोड़ों रुपए लगाया गया था। ये राहुल रोड है आप देख रहे हैं कि जहाँ पर कैसे दोनों तरफ पानी बह रहा है। ये कंक्रीट की सड़क बनाई गई थी, ये दोनों तरफ कंक्रीट की सड़क है, ये देखिए पक्की सड़क है जहाँ पर ये बह रहा है, ये नदी नाले बन चुके हैं जहाँ पर, ये देखिए ये क्या हाल कर दिया ये हमारे नगर निगम ने, जहाँ हमारे जो इंजीनियर हैं उन लोगों ने बिना प्लानिंग के कंक्रीट की सड़क बना दी गई, करोड़ों रुपया खर्च किया गया, ना जाने कितने अफसरों की कोठियाँ बन गई होंगी और कितने लोगों ने अपने बच्चे बाहर पढ़ने के लिए भेज दिए होंगे इस कमाई से। लेकिन ये सड़क देखिए आप, जहाँ कहीं पानी खड़ा है, कहीं पानी में कारें डूबी हुई हैं, ये है राहुल रोड का हाल। ये देखिए जहाँ पर कितना गंदगी है, यहाँ पर कहाँ पानी की पानी खड़ा है सब कहीं। ये देखिए जहाँ पर अभी तो बरसात नहीं, जहाँ पर बिल्कुल ही बरसात नहीं है, ये बरसात के बिना ही ये हाल है जहाँ पे। ये देखिए, और हमने किस तरफ जाना था हम भूल गए हैं। ये देखिए राहुल रोड पर हम जहाँ पर खड़े हैं देख रहे हैं कि ये राहुल रोड जो 25-30 साल से कभी बनता है कभी टूटता है, अभी तक हमारे जो टाउन प्लानर हैं,
जो सीवरेज वगैरह डालते हैं उन्हें ये नहीं पता चला कि कितना बड़ा जहाँ पर सीवरेज डालना है, कभी छोटा डालते हैं, कभी उससे बड़ा डालते हैं, कभी उससे बड़ा डालते हैं, और ये कभी सड़क कंक्रीट की बनाते हैं, और जब ये सड़क खोदी जा रही है तो आप देखिए सरिया नाम की कोई चीज़ नहीं निकल रही वहाँ से। सरिया की जो सड़क बनी थी लेकिन सरिया बिल्कुल भी बीच में नहीं है, और सारी सड़क को तोड़ के फिर दोबारा बनाया जाएगा। सीवरेज ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी जितनी वादी है उसके हिसाब से ये सही नहीं है, और हो सकता है 8-10 साल बाद फिर सड़क को तोड़ना पड़े, क्योंकि हमारे देश की प्लानिंग ही ऐसी है, इंजीनियरिंग ऐसे हैं। और ये राह रोड कई बार बना और कई बार टूटा, और आज तक लोगों को 30-35 साल हो गए, सुख नहीं मिला इस सड़क का। और देखिए जहाँ पर कितना पानी है, कितना कीचड़ है, और बिना बरसात के जहाँ पर तालाब बना हुआ है सड़क के ऊपर, और कंक्रीट की जो सड़क बनाई थी जो आज तोड़ी जा रही है सीवरेज बचाने के लिए। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दलजीत।